हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कामनी 108 में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे ही हैं। और अभी आ गया बाबू, ये रोने का नाटक कर रहा है क्योंकि ये इसका था एक छोटा सा बॉल जो इसको बहुत उछाल उछाल के और इसको ऊपर फेंक दिया, तो मेरे सामने रोने का नाटक कर रहा है कि मैं इसको मतलब दूं तो वो संभव नहीं था, मैं कैसे इसको दूं, इसलिए रोने का नाटक कर रहा है मेरे साथ कि ये दे देगी। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं नहीं दे सकती। और मैं आ गई किचन में और मैं अभी बना रही हूँ रात का खाना, तो लगभग टाइम 7:30 हो रहा है और मैं क्या बना रही हूँ वो भी आप सभी को दिखाती हूँ। और क्या होता है ना कि आज थोड़ा लेट हो गया है, हो जाता है कभी कभी लेट, तो काम करते करते पता नहीं चलता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये इधर देखिए, मैं गोभी उबाल रही हूँ और मैं इसको कटिंग वटिंग करके रख दी थी उबलने के लिए, थोड़ा सा बॉयल करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए फटाफट से मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये अभी देख सकते हैं ना, गोभी को हमने कटिंग करके रख दिया था उबलने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल के। गोभी का हमको कोई ना कोई भरोसा नहीं रहता भाई, गोभी तो मैं ठंडा या गर्मी रहे, लेकिन मैं जब बिना उबाले तो बना नहीं सकती हूँ, तो मुझे बहुत डाउट रहता है इसमें कीड़ा रहने का, इसलिए मैं इसे चक्कू की हेल्प से चेक कर रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ गोभी का सब्जी, तो जब से मतलब विंटर ख़त्म है ना, फर्स्ट बार तो ये हमारा सामान है, लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है। और ये मेरा गोभी अब निकाल कर लिए, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट बॉयल करते हैं हाई फ्लेम पे ताकि अच्छे से हो जाए, और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई ले लिए और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो फटाफट चलिए फ्राई कर लेते हैं। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको निकाल लेंगे और उसके बाद आलू फ्राई करेंगे। तो अभी हमारा ये देख सकते हैं, हमने कर लिया प्याज एक तड़के के लिए रख लिया, और हमारा ये जो गोभी है ना ये भी फ्राई हो चुका है, तो इसको हम निकालते हैं। एक अच्छा सा देख रहा है ना, सुनहरा कलर दिख रहा है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसको ऐसे भी लगता है ना सॉस के साथ नाश्ता में खा जाएंगे, ऐसे मतलब इतना देखने में इतना अच्छा लग रहा है। और थोड़ा और तेल डालेंगे सब्जी के बनाने के लिए, और हम देख सकते हैं इधर कि सब मस्त दिख रहा है ना गोभी फ्राई करके। और तड़के के लिए देख सकते हैं थोड़ा सा जीरा और मेथी और एक तेज़पत्ता, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको डाल के 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा मतलब चटका लेंगे। फिर उसके बाद प्याज एक डालेंगे, हमने बारीक बारीक काट लिया है प्याज, एक प्याज डालूंगी जो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बने। और साथ में हमने आटा भी गूंथना शुरू कर दिया, क्योंकि आटा लगा के मैं ज़्यादा नहीं गूंथती हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे से मिक्स करके ना रख देती हूँ। फिर अपने आप 3-4 मिनट बाद ना अपने आप ही मस्त वाला आटा बन के रेडी हो जाता है। तो भी हमारा शाम का, आज शाम का यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बस रोटी और सब्जी सिंपल सा। और इसको बनाने के बाद देखते हैं किसको क्या खाना है, तो फिर देखते हैं। पहले तो इसको कंप्लीट करें, हमारा प्याज जो था ना वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुका था, इसमें हम आलू डाल के और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि हमारा आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और अभी हमारा आटा भी अच्छे से लग गया और आलू भी फ्राई हो गया, तो हमने प्याज लहसुन और टमाटर डाल दिया और इसको डाल के हम मिक्स कर रहे हैं। और अब इसमें डालेंगे ना कुछ अपना बेसिक से मसाले जो लोग मतलब जो सब कोई डालता है, कुछ अलग नहीं डालने वाले, मिर्ची और हल्दी, नमक स्वाद अनुसार जितना आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से। तो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा अभी क्या हो कि ना मसाला बनाए तो मसाला में हमने ना थोड़ा सा धनिया डाल दिया, तो पता नहीं उस मसाले का टेस्ट नहीं आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैं धनिया नहीं खाती हूँ। बाकी लोग को मैं देखती हूँ बहुत सारे वीडियो में लोग डाल के बनाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी डाल देती हूँ जो भी मसाला डाल, इसमें हमने धनिया डाल दिया, इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, धनिया की वजह से। इसमें और मिक्स करेंगे
तो थोड़ा हमने रखा था गरम मसाला, तो उसमें से थोड़ा सा आजकल डाल दे रही हूँ सब्जी में। और उसमें मैं थोड़ा सा ना जीरा और काली मिर्च मिक्स करने वाली हूँ, तब अच्छा बनेगा उसका सब्जी। हमको ऐसा लग रहा है धनिया का क्वांटिटी कम हो जाएगा फिर, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या मसाला मैं गड़बड़ कर दी। इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ, 2 से 3 मिनट बाद इसको मसाला भून के रेडी हो जाएगा। अब गोभी को भी मिक्स करेंगे साथ में, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फिर फाइनल लुक दिखाएंगे अपना आलू गोभी के सब्जी का। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसमें तेल मैंने गोभी निकाले थे ना, तो तेल था इसलिए से करके डाल रहे हैं, ताकि प्लेट में तेल लगा हो ना वो चला जाएगा, इसी में वेस्ट ना हो। थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि आलू भी तो गलना चाहिए भाई, आलू तो कच्चा ही बना है। और बाबू बोल रहा ना कि ग्रेवी वाला सब्जी बनाने के लिए उसको तो हर चीज में ग्रेवी चाहिए, बस सब्जी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो ग्रेवी का, किस चीज का सब्जी है, बहुत बच्चा पड़ता करता है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाएंगे क्योंकि रोटी से सब्जी को खाना है, तो फिर ज़्यादा लगा के क्या करेंगे। इधर हम आटा भी लगा के रखते थे, तो फटाफट से चलते हैं रोटी बना लेते हैं, और जब तक हमारी सब्जी भी बन जाएगी फिर आपसे भी के साथ शेयर करेंगे कि हमारी सब्जी कैसी बनी हुई है, फिर आपसे भी कमेंट करके बताएंगे कैसी बनी हुई है। तो अभी हमारा फाइनली रोटी भी बन गया साथ में सब्जी भी। सब्जी भी बन गया, एक बार बैक कैमरे से दिखाते हैं कैसी बन गई सब्जी। तो ये हमारी सब्जी है, आप सभी देख सकते हैं आलू और गोभी की कैसी लगी, जो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है तो खाने में भी तो बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो कैसी लगी आप सभी बता सकते हैं कमेंट करके। और चलिए भी देख सकते हैं किचन का मतलब कैसे क्या करके रखें, इसका साफ सफाई करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल पर नए रहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।